मोदी जी छेड़िए मत इस देश के लोकतंत्र को। हम अंतिम बार आपसे कहना चाहते हैं, इस देश के लोकतंत्र को जिसने भी छेड़ा है उसे जमींदोज कर दिया गया है। कहीं इतना अत्याचार मत करो कि पूरे देश की जनता, हर आवाम, हर जाति और धर्म के लोग तुम्हारे खिलाफ सड़क पर आवें और तुम्हें हिंदुस्तान में छुपने तक का जगह न मिले। हमें उम्मीद लगता हमको उम्मीद है कि हमारा देश हमारी इस बात को समझेगा और देश की एकता और अखंडता के लिए हम एकजुट होंगे। भारतीय संविधान का इज्जत करते हुए इन जैसे गद्दारों को हम संसद से बाहर फेंकने का काम करें। हम रोते हुए और भारी मन से कैब और NRC जैसे जघन्य कानून का विरोध करते हैं और अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे, यह उम्मीद है। क्योंकि हम तिरंगा से प्यार करते हैं, हम भारत से प्यार करते हैं, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कानून पर विश्वास रखते हैं, हम गांधी की विचारधारा पर जीने वाले लोग हैं। हमें गोडसे, सावरकर और गोलवरकर जैसे गद्दार लोगों की कोई विचारधारा की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी। और ठीक है, आप शासन और सत्ता में थे, देश की गलती थी, इस देश के आम लोगों ने गलती कर दिया मोदी जी कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल पर उन्होंने बटन दबाया। उनको विश्वास था कि यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब देश के संसद में बैठेगा तो हम गरीब गुरबों की बात करेगा, लेकिन उल्टा रिजल्ट आया तो सिर्फ रिलायंस अंबानी और अडानी के लिए बात आया। जियो और सारे टेलीकॉम कंपनियों का रेट बढ़ा दिया गया, गैस का रेट बढ़ा दिया गया, बिजली का रेट बढ़ा दिया गया, सब्जियां घर में मयस्सर नहीं है, अनाज नहीं मिल रहा है। इस सवाल पर भारतीय जनता पार्टी बेजमीर होकर के सिर्फ हिंदू और मुसलमान का कत्लेआम खेल देखना चाहती इस देश में। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अगर हिंसा और दंगा होगा तो कौन मारा जाएगा पंकज जी? कोई बड़ा दल का नेता नहीं मारा जाता है। मारा जाता है तो ठेला वाला परिवार का लड़का मारा जाता है, मारा जाता है तो आम बुनकर का लड़का मारा जाता है, मारा जाता है तो आम किसान का लड़का मारा जाता है। मैं बार बार कहता हूँ और बार बार इसका तस्वीर आपके सामने आता है, ये लोग इस देश के अंदर खून के प्यासे लोग हैं। इनकी आंखें खून देखना चाहती हैं, इनकी आंखें आगजनी देखना चाहती हैं। हमारा भारत कैसा बनता चला जा रहा है, हम किस भारत में जीना के लिए आदि हो गए हैं, यह काफ़ी दर्द है। कैब तो निश्चित रूप से भारत का एक बड़ा कलंक साबित होगा। जो विदेशों में अल्पसंख्यक हैं, यानी बौद्ध हैं, हिंदू हैं, ये बात ठीक है भाई, उनका बहुत वो हिंदूवादी चेहरा बनना चाहते हैं, हिंदुओं को रोटी तो नहीं दे पाए। ये कश्मीर पंडितों की बात कर रहे थे, लेकिन बनारस में कितने पंडित परिवार आज भी भूखे मरते हैं, इनके पास रिकॉर्ड है क्या? ये कश्मीर पंडितों के लिए बड़ी चिंता करते हैं। ये पाकिस्तान में बैठे हिंदुओं और बौद्धों की बात तो बड़ी तेज करते हैं, लेकिन इनसे पूछिए कि जो भारत के अंदर जो हिंदू हैं क्या उनका पेट भरता है क्या? ये कैसा दोहरी राजनीति है इनकी कि विदेशों में सिर्फ और सिर्फ इनको हिंदुओं की चेहरा दिखाना है और अपने ही देश के अंदर जो राशन जहाँ मिलता है अंगूठा लगाने पर वो मशीन फेल हो जा रहा, डिजिटल इंडिया है, लेकिन हमारे पेटों के लिए मोदी सरकार कुछ नहीं सोच रही है। वो सोच रही है तो सिर्फ इस बात को सोच रही कि हिंदू और मुसलमान को लड़ाया कैसे जाए। قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان